डॉली बाय। हरिओम दोस्तों, आज मैं आया हूँ बंदला धार में। एक जगह है लवर्स पॉइंट, यहाँ से पूरी बिलासपुर सिटी दिखती है, लेकिन अभी धुंध छा गई है। लेक भी दिखती है गोविंद सागर, और यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद डाला है लोगों ने। देखिए, जो बोतल होती हैं वो भी तोड़ दी हैं कांच की शराब पीने के बाद। पहली बार इतना ज़्यादा मैंने गंद यहाँ पे देखा। इस एरिया के आसपास आपको बहुत सारे ऐसे पेड़ मिल जाएंगे जिनसे झाड़ू बनते हैं। देखिए, हमारे पीछे भी है कई पेड़, अभी हमने इनसे टहनियाँ तोड़ दी हैं, झाड़ू बना दिया टेम्परेरी। तो देखिए कितना गंद डाला हुआ है। ड्रम भी यहाँ पे रख दिया जहाँ पे बैठते हैं बेंच के पास ही, और देखिए कितनी सारी कांच की बोतलें तोड़ दी हैं। और वहाँ पे भी है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सारी नशे की बोतलें हैं। अभी थोड़ी थोड़ी धुंध क्लियर हो रही है बीच बीच में, देखिए नीचे सिटी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। तब तक सफाई कर लेते हैं। Two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? A few moments later. थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे थे, सफाई करने के बाद आ गए थे यहाँ पे। यहाँ से नीचे दोस्तों बहुत ही डरावना व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए धुंधी धुंध छा गई है, लेकिन बहुत गहरा है ये, अगर पैर फिसला तो गए नीचे फिर। तो अभी जा रहे हैं हम वापस ऊपर को, देखिए रास्ता कैसा है। अभी देखिए सफाई हमने कर दी यहाँ पे, पहले से अच्छा लग रहा है। हमें तो पता भी नहीं था कि इतना गंद भरा है, नहीं तो हम घर से ही अच्छा पूरा जुगाड़ लाते सफाई करने का। यहाँ पे साबुन भी नहीं है हाथ धोने के लिए। तो भी चलते हैं, धुंध भी काफ़ी हो गई है और मुझे भूख भी लग रही है। ये जो दादाजी हैं यहाँ पे, आप क्या गाय लेके आए हैं? नहीं, बैल लेके। अच्छा, दो बैल लेके आए हैं चराने के लिए। देखिए आज के टाइम में भी लोग बैल पालते हैं इस साइड। अच्छा, ये आपने कुत्ता किससे लिया था? ये गद्दी से लिया। गद्दी? हाँ। आप बकरियाँ चराने जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। ये देखिए इनकी बकरियाँ। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए इनका रॉकी, कितने महीने का है ये? नौ महीने का। हाँ। साल का भी नहीं हुआ है अभी। ना, ना, ना। लेकिन भयंकर है दोस्तों, देखिए। और इसको इन्होंने पटा डाला है, नीचे कांटे लगे हुए हैं पटे में। आज आज। ये पटा क्यों डाला आपने कांटों वाला? अच्छा, अगर दूसरे कुत्ते पड़ते हैं तो फिर काटने वाते ना ही तेंदुआ है ना मिर्ग। हाँ, तेंदुए से बचाने के लिए मिंजू दन पाऊंगा? ना जी ना ना। टच कर लूं? टच कर ले। रॉकी। यह दोस्तों जालपा माता का मंदिर, एक मंदिर ऊपर भी है बाबा बालकनाथ का, लेकिन वहाँ पे धुंध छा गई है। तो अभी चलते हैं हम। 5 minutes later. लवर पॉइंट से थोड़े दूर ये देखिए हिमाचल का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि पहले कांगड़ा में क्लासेस लग रही थी नगरोटा में, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। A few inches later. One hour later. शाम के बज गए 7 और मैं डॉली के साथ अभी प्रैंक करने वाला हूँ, फिर उसको इवनिंग वॉक पे लेके जाऊँगा चेरी के साथ। चेरी,
चलो घूमी घूमी। डॉली बाय। घूमी घूमी चलो 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 घूमी घूमी चलो 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 चलो। A few inches later. अभी देखा दोस्तों आपने कैसे प्रैंक किया मैंने डॉली के साथ, और डॉली गेट के नीचे से चली गई ग्राउंड में बच्चों को देख के एक्साइटेड होके। डॉलू चलो बाय। ये देखिए कितनी फ्रेंडली है बच्चों के साथ डॉली। बाय। अब देखना नीचे से आएगी, यहाँ पे लगाई है, कई दिन हो गए। ये देखो पक्षियों ने भी वेट कर दी, हालत खराब हो गई है इसकी भी। तो दोस्तों इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, अब ये आगे जा ही नहीं रहा इन दोनों को देख के। और दो तीन बार तो मैं बचाऊँ, मुझे काटने वाला था ये, बहुत अग्रेसिव हो गया है। और यहाँ पे देखिए धुआं लगा दिया है भैंस और गाय के पास मच्छरों से बचाने के लिए। ओह ये तो डर गई। चल 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 करो, चलो आगे चलो। डॉली चलाओ, कम सिट। बस मीनवाइल जिस बैल के लिए हम आए हैं दोस्तों वो हमें मिल तो गया लेकिन भाग रहा है, तो मैंने गेट बंद कर दिया है। दवाई मैंने लगा दी, फिर से लगाऊंगा, आपको जख्म दिखाता हूँ इसका। भाग रहा है ये, देखिए उस साइड चला गया। और हमने पहनी भी चप्पल है, ऐसा ना कोई सांप काट दे। जो कीड़े हैं वो पेट में पहुँच गए हैं, टांग में होते तब तो ठीक हो जाता। वो इधर से चला गया, हम इधर से जा रहे हैं अब। भांग यहाँ से हम यहाँ तो पहुँच गए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कोई बैल नहीं आया, तो मुझे लगता है यहीं पे होगा वो घास के बीच। अभी मेरा दोस्त गया है देखने के लिए, और घास भी देखो कितना ऊंचा ऊंचा है। हाँ अंदर आ, इसमें दोस्तों अंदर तो अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ है अंदर। चल तो देखिए दोस्तों एग्रेसिव हो रहा है। क्या हो रहा? देखिए दोस्तों कितना बड़ा होल हो गया है। बाकी इसका इलाज ऐसे नहीं होगा, इसको एक जगह बांधना पड़ेगा कई दिन किसी गौशाला या हॉस्पिटल में। मैंने ये वीडियो लगभग एडिट कर ही दी है, बस लास्ट वाला पार्ट रहा है। इसको एडिट करके मैं जा रहा हूँ डिनर करने। कल हम उस बैल से मिलने फिर से जाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे जितना हमसे हो सकता है। पशुशाला में भी मैं बात करूँगा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक अगर वो अपने पास रख लें, बाद में जाए फिर से छोड़ दें। तो अभी दे देते हैं डॉली को ट्रीट। डॉली से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।